पश्चिम बंगाल के मालदा में बर्ड फ्लू का एक मामला सामने आया है। मालदा का कलियाचक में बर्ड फ्लू का नया केस मिला है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने इसकी पुष्टि की है। एसआरडी अधिकारियों ने जांच की और वायरस के स्थानीय हस्तांतरण का कोई सबूत नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि आगे की जांच के लिए मुख्यालय के एक टीम को मौके पर भेजा जाएगा। फिलहाल बच्चे की तबीयत अभी ठीक बताई जा रही है। मैं पीएम मोदी को मुस्लिम टोपी पहने देखना चाहता हूं, नसरुद्दीन शाह ने क्यों कहा ऐसा। नसरुद्दीन शाह ने द वायर के कारण थापर को दिए एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की। नसरुद्दीन शाह ने कहा, मैं किसी दिन मोदी को टोपी पहने देखना चाहता हूं, जो मुसलमानों को यह संकेत देगा कि मोदी को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वह मुसलमानों को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं तो यह एक बड़ा मददगार साबित होगा। ओडिशा के मनोनीत सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बीजेपी नेता कनक वर्धन सिंह देव ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कड़ी में ओडिशा की मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रवती परीड़ा ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा ओडिशा के सीएम मोहन मांझी की कैबिनेट में सुरेश पुजारी, रवि नारायण नायक, नित्यानंद गौंड, कृष्ण चंद्र पात्रा ने मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। कुवैत में मजदूरों के आवास वाली एक इमारत में बुधवार 12 जून को लगी भीषण आग में 41 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मरने वालों में कई भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। वहीं 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घायलों में भी बड़ी संख्या भारतीय मजदूरों की है। अधिकारियों ने बताया कि आग बुधवार तड़के कुवैत के दक्षिण अहमदी गवर्नेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित 6 मंजिला इमारत के रसोई घर में लगी। दिल्ली में मानसून के पहले यमुना की सफाई का काम तेज। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी अहम जानकारी। दिल्ली में मानसून के आने से पहले ही यमुना नदी की सफाई के काम को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार को डर है कि पिछली बार की तरह इस बार भी भारी बारिश के बाद हथिनी कुंड बैराज को से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा तो यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ जाएगा। कठुआ आतंकी हमले पर एबीपी विधायक सोमनाथ भारती की पीएम मोदी से मांग, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे आम आदमी पार्टी। विधायक सोमनाथ भारती में जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। सोमनाथ भारती ने कहा कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाने जाने चाहिए। बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए हैं। पहले रियासी, फिर कठुआ और डोडा में आतंकियों ने हमला किया। केंद्रीय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया, जाने क्या बोले। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से जीत कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में एक बार फिर जगह मिली है। इस बार सिंधिया को लेकर 2 मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोनों मंत्रालयों का पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। गले में नोटों की माला, हाथों में गज्जियां, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मामले में यूथ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अनियमितता के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से कॉलेज को मान्यता दी गई, अलग अलग परीक्षाओं के नाम पर भी घोटाला हुआ। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अनियमितता का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर गए हैं। बुधवार को यूथ कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने घोटाले का नाट्य रूपांतरण किया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश की जीत और श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। बारिश ने बिगाड़ दिया पूरा खेल। टी20 वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 कुछ खास नहीं। गुजरात टीम के 3 मैच हो चुके हैं जिसमें उन्होंने 2 में हार झेली और 1 बारिश के चलते रद्द हो गया। 3 मैचों में सिर्फ 1 पॉइंट के साथ श्रीलंका ग्रुप स्टेज से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। यह ग्रुप सी है जिसमें श्रीलंका बांग्लादेश की टीमें मौजूद हैं। अब यहां से बांग्लादेश की सिर्फ 1 और जीत श्रीलंका को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। श्रीलंका के लिए बारिश ने सारा खेल खराब कर दिया। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिनों में आतंकवादियों ने 3 घटना को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर सुरक्षा बलों के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के जवानों ने अब तक 2 आतंकियों के घेर कर दिया है। नेक्स्ट, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है जिसमें वह गुटखा खाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कब की है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अभी यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा गुटखा खाते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट, बेंगलुरु हवाई अड्डे में मंगलवार को
बेंगलुरु हवाई अड्डे में मंगलवार को राजस्व खुफिया विभाग ने 9 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 6.29 करोड़ रुपए से अधिक है। सोने को दो अलग अलग फ्लाइटों में लाया गया था, अब हैंड बैग व शौचालय में छिपाया गया। GRI के अधिकारियों ने दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। यूपी में दो IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। IAS धनंजय शुक्ला को अपर आयुक्त राज्य कर के पद पर तैनाती दी गई है। अभी तक वह विशेष सचिव नियुक्ति के पद पर कार्यरत थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की टीम का सफर लगभग खत्म माना जा रहा है। उनकी तरह एक और वर्ल्ड चैंपियन टीम ऐसी है जिसका सफर वर्ल्ड कप में खत्म होने की कगार पे है। पाक वर्सेस कनाडा के खिलाफ जीत तो गई पाकिस्तान, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने कर दिया शर्मसार। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 22वां मैच पाकिस्तान और कनाडा के बीच खेला गया। 11 जून को यह मैच न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। लेकिन इस मैच की एक घटना अब T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जुड़ गई है।